हेलो जोसेफ, का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों ने कर ली होगी। तो डेट शीट आप लोगों की काफ़ी टाइम पहले ही आ चुकी है, तो बहुत जल्दी आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसी की सीरीज में आपके जो क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है कि क्वेश्चन पेपर, बट क्वेश्चन पेपर देखो आप जितने भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो पेपर आपका इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। कई क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस से आउट भी हो चुके हैं, तो लेटेस्ट जो पेपर है उसका सैम्पल पेपर भी अभी नहीं आया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वही काफी लोग यूज कर रहे हैं कि वायरल पेपर या कुछ भी, आपको खाली परेशान करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है या फिर उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। तो देखो थंबनेल लगाने का रीजन भी ये है कि जो यूट्यूब है उसका कुछ एल्गोरिथम होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या है ये वीडियो पहुंचाने के लिए हमने थंबनेल का यूज किया। बट इसमें जो आपको मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, ये 101% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस से जो चैप्टर डिलीट हो गए उनके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कोशिश करूंगा सारे जितने क्वेश्चन हम इसमें टोटल, वैसे तो 3 PDF है आपके, जिसमें आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न और लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने कवर किए हैं। कोशिश करेंगे सारे कंप्लीट क्वेश्चन देख पाएं, बट अगर कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो आप PDF जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इससे पहले हमने एक सेम क्वेश्चंस की कुछ उसमें मैंने आपको 10 से 15 क्वेश्चंस बताए थे, बट आज के इस वीडियो में हम लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। और जो बच्चे PDF लेना चाहते हैं वो पूरी प्रोसेस अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप PDF को भी ले सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट यानी 10 रुपये 15 रुपये में आपको ये पर PDF मिल जाएगी और उसमें भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बात करें कि PDF जो बच्चे लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं, तो सिंपली आपने क्या कर लेना है, गूगल में चले जाना है, जहाँ पे भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, जहाँ पे सर्च करते हैं कंपोजर आपने टाइप कर लेना है। कंपोजर टाइप करते ही आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं आप हमारे वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। इसमें आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है टॉप 30 क्वेश्चंस एग्जाम 2024। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आपने क्लास 11th सेलेक्ट कर लेना है। और देखो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के बच्चों के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या कर लेना है, रसायन विज्ञान वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जब आएंगे यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको वैकल्पिक, निश्चित, अति लघु, लघु विस्तृत, 3 तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ये ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं एक PDF 20 रुपये 50 रुपये 20 रुपये, तो इसमें भी आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, सिंपल आपको जो PDF चाहिए उसमें आपने कर लेना है ऐड टू कार्ट। कार्ट करने के बाद यहाँ पर आपने देखना है 50 रुपये की PDF है, यहाँ पे आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कम्बोसर 30। देखो जब हमने कूपन कोड अप्लाई कर लिया तो आपकी जो PDF 50 रुपये की थी उसमें आपको 15 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल गया है। अभी PDF आपको कितने की मिल रही है, 35 रुपये में। उसके बाद नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद आपने डिटेल्स वगैरह फिल कर देनी है, लास्ट में यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है, यानी फोन पे, गूगल पे जैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और उसी पेज पर आपको वापस डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते, सिंपल आपको यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, जो भी सब्जेक्ट, जो भी PDF आपको चाहिए आप हमको बताइए, हम आपको एक QR कोड या फिर पेमेंट का लिंक दे देंगे। आप उस पर पे करके डायरेक्ट PDF आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करें कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, पहले हम करते हैं जो आपके लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनको। और देखो इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आंसर है आपके पास अगर नोट्स है वहां से आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट या फिर PDF लेकर के, ठीक है, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो बच्चे PDF परचेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, ताकि और अच्छे से उनकी प्रिपरेशन हो पाएगी। और जो बच्चे नहीं परचेस करना चाहते हैं वो आराम से वीडियो रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इन क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है देखो, द्रव की अविनाशिता का नियम लिखिए। और देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और जो बच्चे PDF नहीं ले रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो पहला क्वेश्चन है देखो, द्रव की अविनाशिता का नियम लिखिए। और देखो यहाँ पर हम आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर कर पाए। पहला प्रश्न देख लिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये आपका न्यूमेरिकल है, इसमें कहा है यदि 20 ग्राम चीनी को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी। आंसर आपको दे रखा है, आप आराम से पढ़ लेंगे। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है, दो उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इसको आपने देख लेना है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखो, आपको एक एक नंबर में देखने को मिल जाएगा कि चेंज करना है 1 किलोमीटर फिर 1 मिलीग्राम 1 मिलीलीटर को। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AMU या फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई से आप क्या समझते हैं, तो उसका आपने आंसर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल संकल्पना क्या है, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मोलर द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। और एक ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में देखो। और ये जो सारे क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये आपके लघु और आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो उन सभी को अच्छे से तैयार करना है। अगला प्रश्न है बोर सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं लिखिए तथा ऊर्जा के क्वांटीकरण की व्याख्या कीजिए। बोर का परमाणु मॉडल क्या था वो आपने यहाँ से इजिली पढ़ लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, और देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो PDF परचेज कर सकते हैं, और अदर्स मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं, परमाणु की क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का वर्णन कीजिए या फिर क्वांटम संख्याएं क्या है समझाइए। यहाँ पे आपको सभी क्वांटम संख्याओं के बारे में देखने को मिलेगा, तो उनको आपने इजिली पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, देखो आपकी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनको आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, इसके अनुप्रयोग बताइए या फिर पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं लेकर के आपको। अगला प्रश्न है डाबे राइनर की त्रिक किन्हें कहा जाता है। और देखो वीडियो को आप रोक करके आंसर देख सकते हैं आराम से, और कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर काफी फास्ट फास्ट बता देते हैं, तो आपकी यूट्यूब में ऑप्शन मिल जाता है वीडियो स्लो करने का, तो आप वहां से स्लो करके आराम से पढ़ सकते हैं। देखो फास्ट बताने का रीजन ये है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाए। नेक्स्ट आपका परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। और उसका अगला प्रश्न है धनायनों का आकार अपने जनक परमाणु से कम क्यों होता है। नेक्स्ट है सोडियम धातु की तुलना में सोडियम क्लोराइड कठोर क्यों होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है। तो उसके बाद अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित परमाणु क्रमांक के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान कारण सहित लिखिए। जेड दे रखा है 20, जेड दे रखा है आपको 36, ठीक है। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवरण प्रभाव क्या है, भेदन प्रभाव तथा धात्विक गुणों के बारे में आपको स्पष्ट बताना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकर्ण संबंध क्या है, कौन कौन से तत्व इस संबंध को व्यक्त करते हैं, विकर्ण संबंध किन कारकों पर निर्भर करता है, उनका उल्लेख कीजिए, उसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ AgCl का शेप देता है जबकि CCl4 नहीं, ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। अगला है BF3 तथा BF3 दोनों सहसंयोजक यौगिक हैं किंतु इनमें से BF3 अध्रुवीय है जबकि NF3 ध्रुवीय यौगिक है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट आपका अनुनाद क्या है। अगला प्रश्न है C2H4 तथा C2H2 अणुओं में कार्बन परमाणुओं के बीच क्रमशः द्विआबंध तथा त्रिआबंध के निर्माण का चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, उसको आपने देख लेना है। यहाँ पे पूरा डायग्राम दे रखा है। अगला प्रश्न है सिग्मा तथा पाई आबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए, सिग्मा तथा पाई में क्या अंतर है वो आपने बताना है। तो टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 पॉइंट दे रखे हैं, 6 के 6 को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है। C2H2 में आपको सिग्मा पाई बताने हैं, C2H4 में आपने सिग्मा तथा पाई आबंधों की संख्या बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा आणविक कक्षक सिद्धांत के बीच में अंतर बताना है। अगले प्रश्न पर लेकर चलता हूँ। अगला प्रश्न है अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम के महत्व और सीमाओं को लिखिए। अष्टक नियम क्या था वो आपने यहाँ पर पढ़ लेना है, और पूरा यहाँ पे आपको डिटेल में दे दिया गया है। वीडियो रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको पढ़ सकते हैं। अष्टक नियम का महत्व हो गया, फिर सीमाएं होगी इसके नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसमें आपसे कहा है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण यानी वेस्पर सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित अणुओं की ज्यामितियों एवं आकृतियों की विवेचना कीजिए। BeF2 हो गया, BF3 हो गया, NS3 हो गया, H2 हो गया, इनकी आकृति भी बतानी है और इन पर आपने पूरी टिप्पणी भी करनी है, ठीक है, इनके बारे में भी लिखना है। और इसके बाद वापस नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। ठंडे जल की बाल्टी में गर्म लोहे के टुकड़े को डालने से क्या जल की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, क्या लोहे के टुकड़े ने कुछ कार्य किया, ये आपको बताना है। वायुमंडल की वायु ऊपर जाने पर ठंडी क्यों हो जाती है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं इस टाइप के। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम फिर है हेस का नियम, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का ही एक रूप है, इस कारण पर इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, एक स्विमिंग पूल में 1 × 10^5 लीटर जल भरा हुआ है, जल का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितने जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी।
जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 4.184 जूल पर डिग्री सेल्सियस ग्राम है। तो ये न्यूमेरिकल आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श गैस के समतापीय तथा उत्क्रमणीय प्रसार में कृत कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपका हेस का नियम या फिर उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए, ये आपको देख लेना है। नीचे आपको दे रखा उदासीनीकरण ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। अगला प्रश्न है आपका, एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए, इसका भौतिक महत्व क्या है। और कंप्लीट यहाँ पे आपको देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक ही वीडियो में हम कवर करा दे रहे हैं, ताकि आप एग्जाम की काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। और अगला प्रश्न है, अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी से क्या तात्पर्य है या किन कारकों पर निर्भर करती है, तो इसको आपने देख लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज दे रखे हैं। फिर है, मोलर सांद्रता क्या है, सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं। फिर है, सम आयनन प्रभाव को परिभाषित कीजिए, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्षारीय बफर क्या है। अगला प्रश्न है, बफर विलयन से क्या समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक या फिर बफर विलयन है। यहाँ पे आपको 5-6 दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन कौन है। फिर है, समझाइए ऐसा क्यों होता है कि AgCl जल में अधिक और NaCl में कम विलय है। नेक्स्ट आपका, CuSO4 के जलीय विलयन की pH वैल्यू 7 से कम है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। प्रश्न आपका, ला सातलिए के नियम का भौतिक तथा रासायनिक साम्यों पर अनुप्रयोग बताइए, उदाहरण भी दीजिए। ला सातलिए नियम आपका इंपॉर्टेंट रहता है, हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम। यहाँ पे आपको इसको आपने कंप्लीट पढ़ लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, इसको आपने देख लेना है। और ये आपकी स्क्रीन पर है, शून्य फिर कॉमा -1 तथा +1 ऑक्सीकरण संख्या से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं में अंतर बताइए, ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। क्लास 10th में भी आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया था। निम्नलिखित यौगिकों के रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या है तथा इन परिणामों को आप कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आपको देखो दे रखा है Ca3H2SO, H2S4O6, Fe3O4, CH3CH2OH, CH3COOH, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर, क्या CCl4 सिल्वर नाइट्राइड के साथ गर्म करने पर AgCl का श्वेत अक्षेप देगा, अपने उत्तर को कारण सहित समझाइए। अगले प्रश्न पर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर, इसमें कहा है, निम्नलिखित समीकरणों में रेखांकित अभिकर्मकों को नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही में वर्गीकृत कीजिए, तो आपने देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, इसमें आपसे कहा है, निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई अवबंधों की कुल कितनी संख्या, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, इसको हम पहले देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र संगणित रूप में लिखिए तथा उनका अवबंध रेखा सूत्र भी दीजिए, उसका आपने देख लेना है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में रेखांकित अभिकर्मकों को नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही में वर्गीकृत कीजिए। तो जो बच्चे वीडियो परचेस कर लेंगे इजिली इनको आराम से पढ़ पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आपको वीडियो बार बार रिपीट करके देखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, कैरियस आकलन में 0.3780 ग्राम कार्बनिक क्लोरो यौगिक से 0.5740 ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ, यौगिक में क्लोरिन की प्रतिशतता की गणना कीजिए, न्यूमेरिकल है तो इसको आपने देख लेना है। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे कहा है, निम्नलिखित संरचना सूत्र वाले यौगिक का नाम IUPAC पद्धति में लिखिए, तो पहला टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 4, ये आपके सामने है, ठीक है, इन सभी को देख लेना है। फिर है, निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था बताइए, कार्बन संकरण की अवस्था आपने बता देनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर के, और यहाँ पे आपको IUPAC नाम बताने की सही है या नहीं है, कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा नाम IUPAC पद्धति के अनुसार सही है। तो 4 आपको दे रखे हैं, चारों में से कौन सही है वो आपने बता देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका, पेपर क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत को समझाइए, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है उसको आपने बताना है। तो पूरा डायग्राम सहित आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप इन सभी क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, बेंजीन का पृथक्करण, बेंजीन व टाउलिन को उनके मिश्रण से पृथक करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, जबकि बेंजीन व टाउलिन के क्वथनांक क्रमशः 80 डिग्री व 110 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे हम इसको अलग कर सकते हैं, बेंजीन का पृथक्करण। और उसके अलावा पूरा यहाँ पर देखो आपको डायग्राम दे रखा है। अगला प्रश्न है, ब्यूटाडाइन बनाने की अभिक्रिया समीकरण तथा उपयोग लिखिए, ब्यूटाडाइन क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नियोप्रिन बनाने की विधि दीजिए तथा इसके उपयोग लिखिए। और उसी में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बेंजीन की अनुनाद संकल्पना क्या है। तो देखो सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
यहाँ पे आपको अभिक्रिया बतानी है कौन कौन सी, वोल्टेज अभिक्रिया बतानी है और वी कार्बोक्सिलीकरण, दोनों अभिक्रियाएं देनी है। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ब्यूटेन पेंटेन हेक्साइन टॉलिन, इनके बारे में लिखना है। यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है। फिर अगला प्रश्न है आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे, एन एथाइन है, एन एथीन है और एन हेक्साइन है, तो कैसे आप चेंज करेंगे वो आपने बता देना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं, बेंजीन के कैकुले सूत्र तथा, यहाँ पे आपको बताना है कैकुले सूत्र तथा अनुनाद संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर दिया है बेंजीन की वलय संरचना के पक्ष में प्रमाण दीजिए, इसका आपने देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर। और देखो ये सारे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमने आपको सब ए टू जेड कवर करा दिए हैं। अब जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इनको तैयार कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है पॉलीस्टाइरीन के संश्लेषण के अभिक्रिया का समीकरण तथा इसका उपयोग बताइए, सेकेंड नंबर इसमें पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, इसके उपयोग भी बताइए। यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिल गया, और यही आपके जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन टाइप थे उसमें आपके बस इतने ही क्वेश्चन है, तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। बाकी के जो आपके निश्चित उत्तर प्रश्न है एक एक नंबर वाले प्रश्न, और इसके अलावा जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो जो बच्चे पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं पीडीएफ परचेस करके भी इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो चुकी है तो इतने क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी अगर आपको निश्चित उत्तरीय प्रश्न चाहिए, वैकल्पिक प्रश्न चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके या फिर डायरेक्ट वेबसाइट से भी जाकर के इनको परचेस कर सकते हैं। और आप सभी को एग्जाम की शुभकामनाएं हैं, अच्छे से पेपर देकर के आइए, और कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जितना आपको आता हो मैक्सिमम आपने लिखने की कोशिश करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।